नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, RRB ALP टेक्नीशियन अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में RRB ALP टेक्नीशियन का एडिशनल बैलेंस जो है जारी किया है। यहाँ पे 3 RRB की तरफ से अपडेट आया है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स से बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से कि आप टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में RRB रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, मैं अभी RRB चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट हूँ। जैसे आप RRB चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये अपडेट जो है दोस्तों, कल है यानी कि 28 तारीख को आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CN नंबर 01/2018, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन कैटेगरी नंबर 1, असिस्टेंट लोको पायलट वेटिंग इन फॉर्म कैंडिडेट एडिशनल बैलेंस। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक PDF जो है ऐसा डाउनलोड होगा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ एडिशनल पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी नंबर 1 अंडर CN नंबर 01/2018। यहाँ पे दोस्तों पूरा डिटेल्स में अपडेट दी गई है, कब से लेके कब तक आपका CBT 1 हुआ, उसके बाद CBT 2 हुआ, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, उसके बारे में यहाँ पे अपडेट दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों, कब से लेके कब तक आपका DB हुआ है और उसके बाद मेडिकल कब तक हुआ है उसके बारे में अपडेट दी गई है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो एडिशनल प्लान यहाँ पे जारी किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 140 कैंडिडेट का यहाँ पे एडिशनल प्लान जारी किया है। और ये जो अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की तरफ से कैंडिडेट का रोल नंबर, कम्युनिटी सिलेक्ट कौन सा कम्युनिटी हुआ है, उसके साथ साथ दोस्तों कैंडिडेट का मार्क्स कितना है वो भी यहाँ पे दी गई है, आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्नीशियन की, तो यहाँ पे टेक्नीशियन यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो आया था दोस्तों अपडेट, ये अपडेट आपका आया था दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की तरफ से। और यहाँ पे कुछ अपडेट जो है यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, यहाँ पे टोटल 15 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन दी गई है, यहाँ पे एडिशनल कैंडिडेट को सिलेक्शन दी है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टैंड बाई कैंडिडेट 3 कैंडिडेट हैव सबमिटेड रिफ्यूजल एंड देयर रोल नंबर आर मेंशन मिले। 3 कैंडिडेट जो है यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया गया है, इन कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया, अभी आप देख सकते हैं डिस्पाइट बीन गिविंग 2 चांस टू द कैंडिडेट द फॉलोइंग 48 कैंडिडेट हैव येट नॉट सबमिटेड देयर ऑप्शन और विलिंगनेस 10-day टाइम टू ग्रांटेड ऑन और बिफोर 8/7/2022 बाई 17 आवर्स टू दिस कैंडिडेट टू सबमिट देयर ऑप्शन और विलिंगनेस एज ए लास्ट अपॉर्चुनिटी। इन केस नो ऑप्शन इज रिसीव फॉर देयर विलिंगनेस देयर नेम्स विल बी सेंड टू द कंसर्न जोनल रेलवे फॉर नीडफुल एक्शन विदाउट देयर ऑप्शन। यानी कि दोस्तों, इस कैंडिडेट ने कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं लिया है या तो फिर उसका विलिंग जो है वो दिखाया नहीं, तो इन कैंडिडेट के यहाँ पे रोल नंबर की लिस्ट दी गई है। यहाँ पे टाइम दिया गया इन सभी कैंडिडेट को 8/7/2022 तक। अगर 8/7/2022 तक ये लोग कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो इन सभी कैंडिडेट का जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जा सकता है, यहाँ पे बताया गया। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो अपडेट आया दोस्तों, RRB बिलासपुर से आया है। यहाँ पे जो अपडेट आया RRB बिलासपुर के ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों, आप देख सकते हैं जो अपडेट आया है यहाँ पे प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल 7 यहाँ पे जारी किया। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2018 ALP टेक्नीशियन प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल 7 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 अगेंस्ट कैंडिडेट्स हु डिड नॉट टर्न अप रिजाइन डिमाइज विद इन 1 ईयर फ्रॉम दियर अपॉइंटमेंट। यानी कि दोस्तों, कुछ कैंडिडेट जो यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया या तो फिर रिजाइन कर दिया 1 साल के अंदर, तो उनके बदले में दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया है RRB बिलासपुर से। आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से यहाँ पे टोटल जो असिस्टेंट लोको पायलट का है यहाँ पे 4 कैंडिडेट के यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक से यहाँ पे दोस्तों 1 कैंडिडेट का, वो भी दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRD एलोटेड रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे 1 कैंडिडेट। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल वर्कशॉप एलोटेड रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 1 कैंडिडेट। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एलोटेड रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ पे टोटल 3 कैंडिडेट है। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेली कम्युनिकेशन एंड एलोटेड रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जहाँ पे दोस्तों 1 कैंडिडेट को यहाँ पे अलॉटमेंट दी गई है, रिप्लेसमेंट पैनल में जारी दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, जो कैटेगरी नंबर वाइज आपका जो कट ऑफ गया है आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे UR में दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 में UR का 70.81, SC का 60.48, OBC का 68.88 कट ऑफ गया है। अगर हम बात करें कैटेगरी नंबर 34 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में OBC का 66.04, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 51 OBC का 63.55, कैटेगरी नंबर 94 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में UR के लिए 60.58। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें कैटेगरी नंबर 134 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, कैटेगरी आपका SC में 72.96, ST में 70.54, OBC में 82.14 कट ऑफ गया है।
और कैटेगरी नंबर 136 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जहाँ पे ओबीसी में 82.13 कट ऑफ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो अपडेट आया था आरआरबी बिलासपुर की तरफ से, ये आपका रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया है। जिन सभी कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं लिया या तो फिर दोस्तों रिजाइन कर दिया है एक साल के अंदर, उन सभी कैंडिडेट के बदले में जो यहाँ पे कैंडिडेट ने कुछ रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ पे जारी किया आरआरबी बिलासपुर से। नेक्स्ट जो अपडेट आया दोस्तों यहाँ पे आरआरबी बैंगलोर से आया है, जहाँ पे दोस्तों अपडेट दी गई है पे प्रोविजनल पैनल यहाँ पे दोस्तों 15 दी गई है एडिशनल इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं एमंग फ्रॉम द एमंग कैंडिडेट इन द एक्स्ट्रा लिस्ट हु आर फाउंड सुटेबल इन डीवी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर देयर ऑप्टेड पोस्ट 89 कैंडिडेट एज लिस्टेड बिलो आर प्रोविजनली एम्प्लॉयड फॉर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यानी कि दोस्तों 89 कैंडिडेट को जो है यहाँ पे प्रोविजनली यहाँ पे एलोटेड किया गया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। यहाँ पे दोस्तों 89 कैंडिडेट के यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, यहाँ पे 89 कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजनली यहाँ पे एलोटेड की गई है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे रोल नंबर के यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों जो भी अपडेट आया था 3 आरआरबी से मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।